हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना आर्ट एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एंटीक बोटल आर्ट यूजिंग सम सैंड फॉर्म शीट एंड सम जूट रोप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर ली है एक बोटल, आप इसकी जगह केचप की बोटल भी ले सकते हैं। अब एक बाउल में हम लेंगे थोड़ा सा वाइट ग्लू और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वाटर। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आप इसकी जगह मोडपोज का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है दो टिश्यू पेपर और उसे यहाँ पर स्टिक करेंगे। एक बार और ग्लू को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। पेपर से एक ब्यूटीफुल टेक्सचर आएगा और इसके ऊपर हम जो भी स्टिक करेंगे वो अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा। इस प्रोसेस में पेपर टूटने का चांस ज़्यादा रहता है, तो मैंने दूसरा टिश्यू पेपर भी इसके ऊपर स्टिक कर लिया है। फिर भी कहीं टूट जाता है तो आप इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। तो अब इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि इस पोर्शन में मुझे टेक्सचर क्रिएट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है सैंड। कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको इस तरह की सैंड मिल जाएगी और उसको मैंने छान के इस तरह से बारीक सैंड सेपरेट कर ली है, तो इसे हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। इसकी जगह आपके पास कोई डेकोरेटिव सैंड हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपर पोर्शन में हम मोडपोज अप्लाई करेंगे और सेकंड टेक्सचर क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सैंड का। थोड़ा थोड़ा सैंड लीजिए और जहाँ पे हमने ग्लू अप्लाई किया है वहाँ आपको इसे स्प्रेड करना है। इससे एक रफ एंड सैंडी टेक्सचर आएगा। बीच बीच में इसे टैप करते जाए ताकि यहाँ एक्स्ट्रा सैंड जो है वो हट जाए। और इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब ड्राई होने के बाद इसके ऊपर एक कोट अप्लाई करेंगे मोडपोज का, ताकि ये सैंड अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली है जूट रोप। ग्लू की हेल्प से जूट रोप को रैप करके स्टिक कर लेंगे। इसके बदले आपके पास कोई और थ्रेड हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तीन बार इसको रैप किया है। सेम वे से यहां पर भी ग्लू से जूट रोप को स्टिक कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट मैंने यहां पर ली है फॉर्म शीट। मेरे पास ये कटआउट था तो मैंने इसका ही यूज किया है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसके इक्विवेलेंट आप क्या यूज कर सकते हैं। अब इसे हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। आप किसी भी तरह की फोम शीट का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास फोम शीट नहीं है तो आप कोई सा भी पेपर ले ले और उसे किसी भी तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर ले, तो फोम शीट की जगह आप इस तरह पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब फोम शीट को ग्लू की हेल्प से बोतल पर स्टिक कर लेंगे। आप यहाँ पर स्टिक करने के लिए हॉट ग्लू, फोम ग्लू या फिर फेविक्विक का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से एक मोजाइक पैटर्न जैसा बनाएंगे जो एक टाइल्स जैसा इफेक्ट देगा।
अब यहाँ पर मैं एक लेस स्टिक करूँगी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो लेस ले सकते हैं और इस तरह से इसे स्टिक कर लेंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेंटिंग। तो यहाँ पर हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से इसे पेंट कर लेंगे। इसके सारे गैप्स को अच्छे से फिल करना है। सैंड वाले पोर्शन को भी हम ब्लैक कलर से पेंट कर लेंगे एंड फिर इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ब्लैक पेंट ड्राई होने के बाद जो हम सेकंड शेड यूज करेंगे वो है गोल्डन मेटालिक पेंट। बिल्कुल ड्राई ब्रश लेना है और थोड़ा थोड़ा पेंट ब्रश में लीजिए और इस तरह से इफेक्ट देनी है ताकि इसके टेक्सचर जो है वो हाईलाइट होने लगेंगे। ब्लैक एंड गोल्डन इज ऑलवेज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन जो एक मेटालिक लुक देता है। यहाँ भी हम गोल्डन से टेक्सचर हाईलाइट करेंगे। फिंगर टिप पे थोड़ा थोड़ा पेंट लेके इसे हाईलाइट करेंगे। ओके, फाइनल स्टेप पे मैंने लिया है एक डायमंड चेन। आप कोई भी चेन का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, इस तरह बॉल चेन का भी यूज कर सकते हैं। और मेरे पास ये दो गोल्डन बीड्स थे तो मैं इसका भी यूज करूँगी। चेन के एंड्स पे बीड्स को इस तरह से स्टिक कर लूँगी। तो रेडी है, अब इसी चेन को बोतल की नेक पर टाई कर लेंगे। तो रेडी है हमारा एंटिक बोतल आर्ट। ऐसे ही लुक में मैंने पहले भी एक प्लांटर आइडिया शेयर किया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।